कि 50,000 नौकरियां देंगे। फिर मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 1,00,000 देंगे। अब मनोज सिन्हा साहब हैं और 10,000 नौकरियों के लिए 8,00,000 लोग आवेदन दे रहे हैं, जिसमें पीएचडी करने वाले लोग भी हैं जो कि असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है, किया क्या 370 रुपये? ऐसा है कि आपको केवल लग रहा है आप ऑडिट कर रहे हैं 5 अगस्त से लेकर आज तक का। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, एक लंबा प्लान जम्मू कश्मीर के विकास का जिसपे हमने काम शुरू किया है। आप 10,000 की बात कर रहे हैं, शायद कल ही एक इंटरव्यू है उसमें 11,000 लोगों की नौकरी है रूरल डेवलपमेंट। रूरल एक लंबी श्रृंखला है। अब वो नहीं हो सकता कि महबूबा एंड मुफ्ती और उनके लोग नौकरियां बेचें। अब वो नहीं हो सकता अब दूल्हा एंड सन्स की दुकान पे माल बिक जाएगा। योग्य बेटा और बेटी नौकरी के लिए आएंगे और बिना रिश्वत बिना भ्रष्टाचार सेल नहीं लगेगी मुबा एंड सन्स की, कोई सेल नहीं लगेगी मुफ्ती एंड सन्स की, अब्दुल्ला एंड सन्स की। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक का अधिकार, जम्मू कश्मीर के हर बेटा और बेटी का अधिकार इस धरती पर है और उसका उसका हिस्सा मिलेगा। चुप सर, एक आई रिक्वेस्ट करेंगे वो भेजेंगे भी, लेकिन भारत की सेना उनमें कब्र के लिटाने के लिए तैयार बैठी है। वो आए उन्हें कब्र में लिटाएंगे, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट सोच नीति और नियत स्पष्ट है, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है। माफी करता मैं दोबारा, क्यों इनको मीटिंग जम्मू में होनी थी बुधवार की, मगर आप लोगों ने कहा था कि जम्मू में अगर वो आते हैं हम जम्मू में उनको सफल नहीं होने देंगे, मगर वो आज मीटिंग जम्मू के अंदर हो रही है सर। मिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला आल्सो रेज्ड द इशू ऑफ द न्यू लैंड रूल्स। मिस्टर उमर अब्दुल्ला सेड दैट next year the paddy farmers of Arasmura don't know whether they will be having their land or not. How will you respond? See, we are, as far as your first question is concerned, let the people of this country judge. Let the people of Jammu Kashmir judge. एक बंद कमरे में बैठने से धमकियां देने से कोई फायदा नहीं ना। जब हमारा भी चुनाव हुआ तो बहुत से मित्रों ने तो हरा डाला था हमें, बट इट वॉज अ रिकॉर्ड विक्ट्री मोर देन जम्मू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट द कॉम्प्रोमाइज जज, अगर वो हमको सजा देंगे तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं, वो और हमें सजा देंगे तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। ये कह देना कि मेरी पुतले तो सबके जल रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में आया पुतला जलता है, पुतला क्यों जलाया जाता है, क्यों पुतला जलाने से खबर बनती है, इसका अर्थ ये नहीं कि चुनाव जीतना है। तो वी शुड नॉट गेट कैरीड अवे बाय दैट चैलेंज। ही सेइंग वी आर ऑलरेडी, अरे वी आर 24/7/365 पार्टी, ये कोई इलेक्शन के समय जागर होने वाली पार्टी नहीं है। वी आर रेडी फॉर एवरी चैलेंज एंड वी हैव फेस चैलेंज। अब आपकी बात आई, एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा इसलिए बार बार आपको मजा आ रहा है पूछ रहे हैं। डेली वेजर 20 साल सड़कों में, सुनिए किसने लाया सड़कों पे, पहले ये बात, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। 2014 तक केंद्र में सरकार किसकी, यहाँ किसकी, ये पाप पिछले घंटी हमारे गले में डालने की कोशिश करते हो, हम इनके साथ सहानुभूति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा, इनके साथ जलपान हुआ, ये मेरी बात से सहमत हुए। हुआ क्या था, समय समय पर कौन सी सरकारें बनती रहीं, कांग्रेस पीडीपी, कांग्रेस नेशनल कांग्रेस, जो नया मंत्री बना पैसे लेकर बैंक डोर एंट्रियाँ की गई, और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने पर, दे हैव फूल्ड द यूथ ऑफ दिस हरसवाइज स्टेट। क्योंकि कोई आता था हैवरे सेट पर आता था, कोई आता था डेली वेजर बनाता था, कोई आता था कैजुअल लेवल और लगाते जाते थे और कहते थे कि भाई ये जम्मू कश्मीर अब पैर फंसा लो बाद में पक्का हो जाएगा। एक बार हुआ था पक्का, रिफ्रेश योर नॉलेज, 90s में एक बार आदेश आया था फारूक अब्दुल्ला साहब जो मुख्यमंत्री थे कि जो 7-7 साल वाले हैं उनको पक्का कर दिया गया, उसी की आड़ लेके ये करते गए। लेकिन अब वक्त बदला, 2005 में यू गॉट RTA, लैंड लॉसी whoever says J&K on sale, please tell him the sale on J&K will start with the sale of the Gupkar bungalows. The law does not allow occupying the bungalow forcibly. Just as you have given the freedom to all the countrymen to come and purchase house,
the owner still enjoys the freedom to decide whether to sell or not. और जिस दिन ये जिस दिन मकान लेने का अधिकार आ जाएगा तो इतने खूबसूरत बंगले जो डल झील के किनारे बसे हैं सबसे पहले तो उन बंगलों को ऑक्यूपाई किया जाए। चैलेंज की बात कही मैं आपके सामने सभी कैमरास के सामने फारूक अब्दुल्ला जी का चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। हम उनके 7 दशक की लूट का हिसाब लेकर कश्मीर के किसी कोने में आने को तैयार हैं। हम 2 चीजें लाएंगे, उनका 7 दशक का इन दोनों की लूट का हिसाब और अपना जो हमने विकास के लिए यहाँ काम किया और जो हमारा एजेंडा है। आप समय तय करिए, आप चैनल उसके लिए प्लेटफॉर्म तय करिए, हम उनकी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे।